अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुजम्मिला अवैस है और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि दुनिया में वो कौन से चार तरीके हैं जिससे के पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन पे हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप न्यू वीडियोस को देख सकें। तो शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आप कहेंगे मेडिकल फील्ड की। यस, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? डेफिनेटली फाइनेंस की। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? इंजीनियरिंग फील्ड की। तो अगर आपको, मेरा सवाल है आपसे कि अमीर बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए पैसों की। लेकिन क्या हमें किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मनी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आज तक पढ़ाया गया है? यस और नो? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन हमें बिजनेस का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है। लेकिन जो टीचर्स हमें बिजनेस पढ़ाते हैं, क्या विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने कभी बिजनेस किया है? सो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। पैसों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज सो फार दी गई है वो एक ऑथर है, रॉबर्ट कियोसाकी। सो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने पैसों से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज प्रोवाइड की, जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद की गई और ये बुक वायरल हुई। इनफैक्ट अमेज़ॉन पर इस वक्त सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक भी रिच डैड पुअर डैड ही है। सो इस बुक के बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी को बना दिया गया फाइनेंशियल गुरु। और इसकी इतनी सक्सेसफुल होने के बाद एक सीरीज़ ऑफ बुक्स इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसमें एक बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और इसमें बहुत डिटेल में ESBI मॉडल को डिस्कस किया गया है। सो ये ESBI मॉडल है क्या? रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया कि पैसे कमाने के सिर्फ चार ही तरीके हैं और इन चार कैटेगरीज का नाम है। सबसे पहली है ई, यानी एम्प्लॉयमेंट। दूसरी कैटेगरी है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरी कैटेगरी है बी, यानी बिजनेस। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट। और हम इन चारों यानी ESBI को वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के बारे में कि ये क्या है। बहुत इजी है, अगर हम कोई डिग्री लेते हैं जैसे MBA, BA, BCom वगैरह, तो डिग्री लेने के बाद हम डेफिनेटली जॉब करते हैं। और या अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। बहरहाल डिग्री लेने के बाद हम जॉब करते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हम जॉब कर रहे होते हैं तो वो हमसे एक्चुअली चाहती क्या है? यस, वो हमसे हमारा टाइम चाहती है, और जितना टाइम हम देंगे उस हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी। तो अगर हम फुल टाइम देते हैं या पार्ट टाइम देते हैं तो हमें उसी के हिसाब से सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है। अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बहुत स्किल्ड हैं या किसी भी चीज़ में स्किल्ड हैं तो हमें उसके हिसाब से भी सैलरी मिल रही होती है। तो ये थी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जो कि बहुत इजी कैटेगरी है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वेल, इसमें आप किसी जॉब पर नहीं होते बल्कि अपने बॉस खुद ही होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी शॉपकीपर की, तो जब आप शॉपकीपर से पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है तो वो कहेगा कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ।
लेकिन दर हकीकत वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी कि अगर वो अपनी वेकेशंस पे जाना चाहता है तो वो अपनी शॉप उसको बंद करनी पड़ेगी, और जितने दिन वो वेकेशंस पे रहेगा उतने दिन उसकी कोई इनकम नहीं हो रही होगी। इनफैक्ट अगर वो 10-20 लोगों को एम्प्लॉय रख भी ले तब भी वो वेकेशंस पे नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो वेकेशन से वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका बिजनेस ख़त्म हो चुका होगा या बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़े हो चुकी होंगी। इसी तरीके से अगर हम किसी ट्यूशन टीचर की बात करते हैं तो ट्यूशन टीचर भी जब तक पूरे मंथ पढ़ाएंगी तभी उनको उनकी फीस मिलेगी पेरेंट्स से, लेकिन अगर वो वेकेशंस पे चली जाती हैं तो पेरेंट्स फीस नहीं देंगे। यानी अगर आप अपना टाइम पे काम कर रहे होंगे तो आपको उसकी ऊपर आपकी सैलरी या आपको फीस या जो भी आपकी इनकम है वो जनरेट हो रही होगी, लेकिन अगर आप वो काम स्टॉप कर देंगे तो उसके ऊपर आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में भी होता है कि अगर आप जॉब पर जाएंगे तो ही आपको आपकी सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सो फर्क सिर्फ इतना है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में कि एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के अंडर काम कर रहे होते हैं, कोई और आपका बॉस होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपने बॉस खुद होते हैं, यानी आप अपनी जॉब खुद ही कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है बिजनेस की। और बिजनेस क्या होता है? वेल, बिजनेस में एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं और आप या तो आइडल बैठे होते हैं या फिर आप प्लान्स बना रहे होते हैं जिसको के आपकी टीम या आपके लोग जिनको आपने हायर किया हुआ है वो आपके उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंपनी में गए हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए हो और उस कंपनी के ओनर ने आपको सर्व किया हो। यकीनन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों के काम करने के वजह उनको उनकी परसेंटेज उन तक पहुँचती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग की, कि अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली उनके घर तक उनके पैसे पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बिजनेस वो होता है जो कि स्केल अप करता है। सो यहाँ पर एक और छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका सेल्युलर नेटवर्क जैसे यूफोन, मोबिलिंग, वारिस वगैरह या टेलीनोर, जो भी नेटवर्क आपका है, अगर वो बिल्कुल ठीक चल रहा है तो डेफिनेटली उसके ओनर्स को उसकी पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आपका नेटवर्क कोई इशू करता है या नेटवर्क में कोई खराबी होती है तो आप किसको कंप्लेन करते हैं? क्या आप उस ओनर को कंप्लेन करते हैं? नहीं ना, आप उनके एम्प्लॉयज को कंप्लेन करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में एक सिस्टम होता है जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं और बिजनेस करने वाले को उसके पैसे पहुँच रहे होते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में फर्क समझ आ गया होगा। फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी, और इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये बेस्ट कैटेगरी है क्योंकि इसमें आप पैसा लगाते हैं और पैसे से ही पैसा कमाते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वेरी गुड, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और एनुअली उस पर परसेंटेज लेते रहिए, या फिर आप कोई स्कूल कॉलेज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा ही आपके लिए पैसे बनाता है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए ये बात कही जाती है कि पैसा आपके लिए काम करता है, और जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने लिए अपने पैसे से ही काम ले रहे होते हैं। तो आपने ESBI मॉडल के बारे में जाना और आई होप कि अब आपको ESBI के फर्क समझ आ गया होगा। यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि 90% पॉपुलेशन दुनिया की ई और एस कैटेगरी में फॉल करती है, बाकी की 10% पॉपुलेशन
बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है। यहाँ पर मैं एक बड़ी अफसोस से ये बात कहूँगी कि 90% पैसा बी और आई कैटेगरी में आता है, और अफसोस की बात यह है कि 10% पैसे के लिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो कैटेगरी है वो फाइट कर रही होती है उस पैसे को हासिल करने के लिए। ये इतना बड़ा गैप आया कैसे? एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं टाइम लिवरेज के, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो कि जॉब कर रहा है तो उसकी मिनिमम कैपेसिटी या मिनिमम लिमिट सिर्फ 8 घंटे से या मैक्सिमम 12 घंटे ही काम करने की होती है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी भी इजाजत नहीं देगी। उसकी लिमिट यही है कि वो 8 घंटे से 12 घंटे ही काम कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन को अपने 8 से 12 घंटे ही बेच सकता है जिसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिलती है। लेकिन एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई लिमिट नहीं होती किसी भी इंडिविजुअल के टाइम को खरीदने के लिए। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन 100 इंडिविजुअल्स या 1000 इंडिविजुअल्स के 8-8 घंटे खरीद लेती है तो एक ओनर 24 घंटे में 8000 घंटे काम कर रहा है, बेशक वो कैबिन में बैठा रहे और कोई काम ना कर रहा हो, लेकिन उसका सिस्टम काम कर रहा है, जो लोग उसने हायर किए हैं उन लोगों के उसने घंटे खरीद लिए हैं, और 24 घंटे में वो ऑर्गेनाइजेशन 8000 घंटे काम कर रही है। इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाखों एम्प्लॉयज हैं और कंपनी ने उनको हायर किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के 8 घंटे यानी 8 लाख घंटे एक कंपनी 24 घंटे में काम कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा और कैसा गैप है। ये बात क्लियर हो गई कि जो जितने घंटे काम करेगा उसको उतने ही घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर एक इंडिविजुअल 8 घंटे काम कर रहा है तो वो 8 घंटे के हिसाब से ही पैसा अर्न करेगा। अगर एक इंडिविजुअल 8 लाख या 8000 घंटे काम करता है तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन अब एक इंडिविजुअल 8000 घंटे या 8 लाख घंटे कैसे काम करे? यकीनन उसे बिजनेस करना पड़ेगा, यकीनन उसे एक अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी पड़ेगी जहां पर वो लोगों को हायर कर सके, और डेफिनेटली इसके लिए आपको एक सॉलिड इनकम या सॉलिड अमाउंट की जरूरत होती है। इस एनालिसिस से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करना है और खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना है तो मुझे फौरी तौर पर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से निकलना होगा, चाहे मैं फुल टाइम निकलूँ या पार्ट टाइम निकलूँ, तो मुझे मस्ट निकलना है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से निकल चुकी हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक और बात समझाने वाली हूं। तो बिजनेस करने के लिए ऐसी क्या चीज है जो हमें रोकती है? वो है इन्वेस्टमेंट। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हमें उस पर प्रॉफिट अर्न होता है, और ये प्रॉफिट हमारा 6 महीना, साल, 2 साल के बाद ही अर्न होना शुरू होता है। लेकिन जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, हम 10-20 लाख रुपए भी लगा दें तो ये श्योरिटी नहीं है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के साथ जो हमें दूसरी चीज रिक्वायर्ड होती है वो होता है एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का तो आप 50 लाख रुपए भी लगा दें, बिजनेस डूब जाएगा। तीसरी चीज जो बिजनेस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है वो है एक टीम, यानी आपके लोग हायर करने हैं, एक ऐसी टीम बनानी है जो कि आपके लिए काम कर सके और जिस पे आप ट्रस्ट कर सके। चौथी चीज जो कि सबसे पहली होनी चाहिए वो है आइडिया। अगर आपके पास स्ट्रांग आइडिया नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता, चाहे आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास एक अच्छी टीम हो। अगर आपका आइडिया बिजनेस के लिए स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि एस आई सेड कि बिजनेस की जो मार्केट में इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस करने में
जो सबसे ज्यादा एक चीज इन्वॉल्व होती है वो होती है रिस्क। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि आया आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, यानी आपका पैसा डूब जाएगा या वो रिकवर होकर प्रॉफिट की सूरत में आपको मिलेगा। सो ये चांस रिस्क का हर सूरत कोई ना कोई बिजनेस करने में जरूर इन्वॉल्व होता है। क्या ऐसा है या नहीं, पर आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको फ्रेंचाइजी मॉडल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे आप किसी भी कंपनी जो कि वेल स्टैब्लिश्ड है, एक बड़ा ब्रांड है, उसको चंद करोड़ रुपए देते हैं, उसके अगेंस्ट आप उस कंपनी से उस कंपनी का नाम बाय कर लेते हैं और वो कंपनी आपको अपना नाम दे देती है आपसे चंद करोड़ रुपए लेकर, और आप उस कंपनी के नाम से एक फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं जहां पर हजारों लोग उस कंपनी के नाम की वजह से आप तक पहुंचते हैं। यहां पर एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैकडॉनल्ड्स की। अगर आप मैकडॉनल्ड्स को चंद करोड़ रुपए देते हैं और उसकी फ्रेंचाइज ओपन करते हैं तो आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम बाय कर लिया और आपने एक मैकडॉनल्ड्स ओपन कर लिया, तो हजारों लोग, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा ग्लोबली एक ब्रांड है, तो हजारों लोग आप तक उस फ्रेंचाइज में पहुंचेंगे और आपका वो बिजनेस चल पड़ेगा, यानी उस बिजनेस में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपने एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी का नाम यूज किया है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो कि वेल स्टैब्लिश्ड है उसके नाम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, क्योंकि उस वेल स्टैब्लिश कंपनी को लोग जानते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो हो जाता है। प्लस ये कि आप अपना कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते और यूं आपका रिस्क अगेन जीरो हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो, डेफिनेटली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी जो भी ओपिनियन है उसको मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।